Hello dear learners, welcome to my channel. आज हम बात करेंगे sample size estimation की. किसी भी research में sample size बहुत important होता है. अगर हम proper sample size नहीं लेते हैं तो हमारी research हो सकता है वो results नहीं दे जो actual results हैं. और researcher अक्सर confused रहता है कि मुझे अपनी study के लिए कितना सैंपल साइज लेना चाहिए. सैंपल साइज एस्टिमेशन बहुत आसान है. अगर मेरे पास पॉपुलेशन नोन है तो मैं कैसे सैंपल साइज को एस्टिमेट कर सकती हूँ, और फॉर अननोन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए कैसे सैंपल साइज को एस्टिमेट किया जा सकता है, आज इस वीडियो में हम ये बात करेंगे. हम शुरू करते हैं. अगर मेरा सैंपल साइज, अगर मेरे को पॉपुलेशन नोन पॉपुलेशन है मेरी, राइट, अगर मुझे पता है कि मेरी पॉपुलेशन कितनी है और उसमें से मुझे सैंपल साइज चूज करना है तो मैं कैसे कर सकती हूँ. इन माय एग्जांपल, मेरा जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1 लाख का है और 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे मैं अपनी रिसर्च कंडक्ट करना चाहती हूँ, राइट. मुझे 1 लाख में से कितना सैंपल साइज चाहिए फॉर माई रिसर्च, राइट. उसके लिए मैं सॉल्विंस फॉर्मूला लगा के सैंपल साइज को एस्टिमेट कर सकती हूँ. एंड सॉल्विंस फार्मूला इज सैंपल साइज इक्वल्स टू पॉपुलेशन, कैपिटल एन रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय एरर ऑफ मार्जिन का स्क्वायर, राइट. दिस इज द फार्मूला जिसके थ्रू मैं अपना सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकती हूँ. दिस एन स्मॉल एन इज सैंपल साइज इक्वल्स टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय 1 प्लस टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय मार्जिन ऑफ एरर स्क्वायर, राइट. इन माय केस टोटल पॉपुलेशन इज 1 लाख. मार्जिन ऑफ एरर क्या है? सोशल साइंस में कोई भी रिसर्च 100% पे हम नहीं करते हैं, हम कुछ मार्जिन ऑफ एरर रख के चलते हैं. अब मेरा जो क्वेश्चन था वो मैं 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे ले रही थी अपनी रिसर्च को, तो 5% मैंने मार्जिन ऑफ एरर लिया है, राइट. सो ई इज 0.05. आई वॉन्ट टू एस्टिमेट द सैंपल साइज. जब मैं इन वैल्यूज को, इन फिगर्स को अपनी इक्वेशन में पुट कर देती हूँ, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.05 का स्क्वायर, और इस को जब मैं कैलकुलेट करती हूँ, इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करती हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जो एन मेरे पास निकल के आता है दैट इज 398.4, यानी कि 398.4 मेरा सैंपल साइज होना चाहिए मेरी स्टडी का फॉर पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख. 0.4 तो पॉसिबल नहीं है, जो सैंपल साइज है वो होल नंबर में होना चाहिए, तो मैं इसे होल कर देती हूँ, मैं उसे 399 कर देती हूँ. तो आई नीड 399 सैंपल्स फॉर माई स्टडी. 1 लाख की पॉपुलेशन में मेरा जो सैंपल होना चाहिए वो 399 का होना चाहिए. नाउ टेक एन अनदर एग्जाम्पल, राइट. बहुत बार क्या होता है, मैं मेरे पास एक पॉपुलेशन तो है, मान लीजिए मैं एक स्टडी करना चाहती हूँ ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी के कंपनीज के रिटेंशन रेट पे, राइट. मुझे ये चेक करना है कि ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी की रिटेंशन पॉलिसीज हैं या जो रिटेंशन रेट है वो किसका अच्छा है, राइट. तो वहां पे इस एग्जांपल में जो ग्रेड ए कंपनीज है उसका जो टोटल एम्प्लॉयज है 60,000 है, जो मैंने कंपनी सिलेक्ट की है. ग्रेड बी कंपनी के जो एम्प्लॉयज है 35,000 है, और ग्रेड सी कंपनी के जो एम्प्लॉय है वो 20,000 है, राइट. तो अब इन तीनों कंपनीज की मुझे रिटेंशन स्ट्रेटजीज को कंपेयर करना है कि किसके रिटेंशन स्ट्रेटजीज ठीक है. तो अब मैं कैसे इनमें से सैंपल साइज चूज करूं? क्या मैं सबके सैंपल साइज इक्वल ले लूं? अगर मैं, मान लीजिए मैं 50-50 सबका सैंपल साइज ले लूं या 100-100 सबका सैंपल साइज ले लूं, ऐसा क्या ये जो अगर मैं सबका सैंपल साइज इक्वल लेती हूँ तो क्या वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन होगा पॉपुलेशन का?
ऐसे ही हमें सैंपल नहीं ले लेना चाहिए, सैंपल साइज नहीं ले लेना चाहिए, हम इसे कैलकुलेट करते हैं राइट कि कितना सैंपल साइज हमें ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी कंपनी से लेना चाहिए, अगेन विथ सॉल्विंस फॉर्मूला। हमारे पास टोटल पॉपुलेशन है, ए प्लस बी प्लस सी के जितने एम्प्लॉयज हैं वो हमारे टोटल पॉपुलेशन हो जाएंगे, दैट इज 60,000, 35,000 प्लस 20,000। जब मैं इन्हें एड अप कर देती हूँ मेरे पास टोटल पॉपुलेशन आ जाता है। अब ये टोटल पॉपुलेशन मेरे पास आ गया तो मैं सॉल्विंस फार्मूला में दोबारा से अपने सारा वैल्यूज को पुट कर देती हूँ राइट। 95 अगर दे रखा है कि 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे करना है आपको रिसर्च, 90 पे, 99 पे, 97 पे, तो ठीक है। और अगर नहीं स्पेसिफाइड है कि कितने परसेंट पे आप कर रहे हैं तो यूजुअली हम उसे 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे लेके चलते हैं राइट। तो अब हमने टोटल पॉपुलेशन जो आई हमारी 1,15,000 और जो मार्जिन ऑफ एरर है 0.05 उसको स्क्वायर किया और इक्वेशन में पुट कर दिया। इक्वेशन को जब हमने राइट टू लेफ्ट सॉल्व किया तो जो हमारा सैंपल साइज हुआ आया दैट इज 399। तो मतलब मुझे 399 टोटल सैंपल चाहिए फ्रॉम ए बी एंड सी ग्रेड कंपनीज। अब ये 399 को मैं कैसे डिवाइड करूं ए बी और सी में? क्या मैं ऐसा कर दूं 150 ए से, 150 बी से और बाकी बचा हुआ 99 सी से? क्या ये ठीक रहेगा? लेट मी चेक। ऐसे ही नॉर्मली जो रिसर्चर हैं वो ऐसा ही कर देते हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग कर लेते हैं कि मेरे को ए ग्रेड कंपनीज में ज्यादा जान पहचान है तो मैं वहां से ज्यादा सैंपल साइज ले लेता हूँ, सी से कम लेता हूँ, या सी से ज्यादा ले लिया, बी से कम ले लिया। वी शुड नॉट डू इट लाइक दिस। वो प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं है आपके पॉपुलेशन का। अब मुझे, मेरे पास टोटल सैंपल साइज आ गया कि इस पॉपुलेशन में मुझे टोटल सैंपल साइज कैसे लेना चाहिए, लेकिन ए बी और सी ग्रेड कंपनीज से मुझे कितना कितना लेना चाहिए वो फर्दर डिपेंड करता है उस स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की, उस स्पेसिफिक कंपनी की पॉपुलेशन पे। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम निकालेंगे कि सैंपल साइज फॉर कंपनी ए, ए ग्रेड कंपनीज के लिए एन ए रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप मल्टीप्लाइड बाय टोटल सैंपल साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन राइट। जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें रिस्पेक्टिव कंपनीज का सैंपल साइज मिल जाएगा। रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ द ग्रुप, जो ए ग्रेड कंपनी के लिए जो पॉपुलेशन था दैट वॉज 60,000। टोटल सैंपल साइज जो हमारे पास आया कैलकुलेट करके दैट इज 399, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 399, और जो हमारा टोटल पॉपुलेशन आया ए बी और सी ग्रेड कंपनीज का दैट इज 115,000। ये हमने इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज को, और जब हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को तब हमारी जो वैल्यू आई दैट इज 208.17। मतलब सी, हम ऐसे ही कुछ भी ले रहे थे 100-150, लेकिन जो सैंपल साइज हमें ए से लेना चाहिए इट शुड बी 208.17। तो 208.17 तो नहीं हो सकता, तो इसे राउंड अप कर देते हैं हम, 208 कर देते हैं। सिमिलरली वी कैन फाइंड आउट द सैंपल साइज फॉर बी ग्रेड कंपनीज एन बी रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन ऑफ बी ग्रेड कंपनीज मल्टीप्लाइड बाय टोटल सैंपल साइज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन था 35,000 था फॉर बी ग्रेड कंपनीज, मतलब एम्प्लॉय जो टोटल एम्प्लॉय थे बी ग्रेड कंपनीज के वो 35,000 थे। मैंने सारे वैल्यूज को इक्वेशन में पुट किया और उसे जब सॉल्व किया तो मेरे पास वैल्यू जो आता है निकल के सैंपल साइज फॉर बी ग्रेड कंपनी इज 121.43। तो मैं इसे राउंड अप करके 122 कर देती हूँ। तो मतलब हमें 122 सैंपल जो हैं वो बी ग्रेड कंपनी से लेने चाहिए। सिमिलरली वी कैन डू इट फॉर सी ग्रेड कंपनीज। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ सी कंपनी सी वाज 20,000। मैंने सारी वैल्यूज को पुट अप किया, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 399 डिवाइडेड बाय 115,000। जो वैल्यू निकल के आता है
सैंपल साइज का फॉर सी ग्रेड कंपनीज इट इज 69.35 39, राइट। तो उसे मैं 69 ले लेती हूँ या 60 70 ले लीजिए, राइट। तो ये टोटल आ गया। देखिए हम क्या कर रहे थे, 150 150 99, वो हमारा प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होता। अब हमें कैसे लेना है, 208 ए ग्रेड कंपनीज से, 122 फ्रॉम बी ग्रेड कंपनीज हमें सैंपल लेना है, और 69 सैंपल्स हमें सी ग्रेड कंपनी से लेना है, राइट। ये हमारा सैंपल आ गया। वहां पे देखिए जब हमारा टोटल पॉपुलेशन से हमने सैंपल साइज निकाला था तो 399 आया था, और अब 208 प्लस 122 प्लस 69 करते हैं तब भी 399 आया, सैंपल सेम ही आया, राइट। और इसमें हम प्लस माइनस वन का मार्जिन लेके चलते हैं, एक पॉइंट इधर उधर, क्योंकि पॉइंट्स में है, मैं अगर पॉइंट्स को राउंड ऑफ करते हुए 69 को 70 कर देती तो 400 हो जाता, तो हम प्लस माइनस वन का सैंपल साइज को लेके चलते हैं, राइट। तो आई होप अब हम निकाल सकते हैं रिस्पेक्टिव कंपनीज का, अगर हमें निकालना है तो कैसे पॉपुलेशन साइज हमें निकालना है। अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, यहाँ पे जो हमने बताया वो तो तब था जब हमें पॉपुलेशन साइज मालूम था, अब हमारी रिसर्च में हमें पॉपुलेशन साइज नहीं मालूम है। इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए अगर मुझे सैंपल साइज निकालना है, अननोन पॉपुलेशन है, मुझे नहीं पता कि कितनी पॉपुलेशन है, तो मैं कैसे सैंपल साइज एस्टिमेट करूं। उसके लिए होता है कॉकरेन इक्वेशन, एंड दैट इक्वेशन इज एन इक्वल्स टू जी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय क्यू डिवाइडेड बाय ई स्क्वायर। एन इज सैंपल साइज जो मुझे कैलकुलेट करना है, Z is the critical value of desired confidence, मतलब मैं कितने कॉन्फिडेंस लेवल पे अपने रिसर्च को कंडक्ट करना चाहती हूँ उसकी क्रिटिकल वैल्यू होती है, वो होता है Z। Q is, Q को हम फाइंड आउट करते हैं 1 - P से, एंड what is P? P is estimated proportion of an attribute that is present in the population. Assumed value for P is 0.5, ठीक है, ये assumed value होती है P की। तो Q क्या आ गया, 1 - 0.5, तो 0.5 आ गया इसमें हमारा। E is margin of error, margin of error अगर हम 90% पे कर रहे हैं तो margin of error is 10, right? It could be 3 अगर हम 97 पे कर रहे हैं, 95 confidence level पे कर रहे हैं तो 5, जो भी हम margin of error ले रहे हैं वो हमारा margin of error आ जाता है। Z values जो हैं वो defined है, जैसे 90% पे अगर हम अपने research conduct करते हैं तो value of Z is 1.645, 95 it is 1.96, at for 99% value of Z is 2.575, राइट। अब मैं जो अपनी रिसर्च है वो 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे करना चाहती हूँ, राइट। कैलकुलेटेड सैंपल साइज ऑफ एन इनफाइनाइट पॉपुलेशन एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल, मैं इस इक्वेशन में n इक्वल्स टू z स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p मल्टीप्लाइड बाय q डिवाइडेड बाय एरर ऑफ मार्जिन का स्क्वायर, मैं जब ये वैल्यूज पुट कर देती हूँ z स्क्वायर की, जो z की वैल्यू है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल इज 1.96 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय p इज अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ p इज 0.5, q इज 1 - p अगेन इट इज 0.5, एंड मार्जिन ऑफ एरर इज 0.05। जब मैं इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज को पुट करती हूँ और सॉल्व करती हूँ तो एन जो आ जाता है, सैंपल साइज जो आ जाता है वो 384 आ जाता है एट 95% कॉन्फिडेंस लेवल। सिमिलरली आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्फिडेंस लेवल पे चेक कर सकते हैं कि आपका सैंपल साइज क्या होना चाहिए, राइट। आई होप नाउ यू कैन एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन, क्या टोटल सैंपल साइज फ्रॉम द पॉपुलेशन, राइट। अब हम गेस नहीं करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। दैट्स ऑल।